सो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो हेलो गाइस, फाइनली आज आपके भाई का बर्थडे है। और आपका भाई अभी शाम को कितने बज रहे हैं? अभी 3 बज रहे हैं। अभी मैं उठूँगा और रेडी होऊंगा और निकलेंगे सिवान। अभी अपनी कार आई है तो अपनी कार से हम जाएंगे और थोड़ा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना है। तो चलो चलता हूँ मैं रेडी वेडी होके, फिर आगे मैं दिखाता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, चलो मैं अब नहा लेता हूँ। टाइम हो गया लगभग 4 बज गए आई थिंक, और मैं नहा लेता हूँ। और ये मेरा नया घर का बाथरूम है जिसमें अभी काम नहीं हुआ है। आई थिंक काम कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारा भाई इसमें नहाएगा एकदम मस्ती से। फिलहाल तो मैं देसी आदमी हूँ भाई, कहीं भी नहा लेता हूँ। तो चलो नहा के आते हैं, रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं सिवान। आपका भाई रेडी हो गया है, जस्ट हम निकलेंगे। सामने अपनी फॉर्च्यूनर, फिलहाल तो अपनी फॉर्च्यूनर यही है भाई। जस्ट मैं अभी ये शूज पहनूंगा और निकलेंगे थोड़ी ही देर में। निकल गए सिवान के लिए। सिवान कार से जाने में आई थिंक 10-20 मिनट लगेगा। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लगभग आधे घंटे लगते हैं सिवान जाने में मेरे घर से। सिवान 16 किलोमीटर है और अपनी लेजेंडर तो आ ही गई है। अब चलो चलते हैं। एक हमारे ग्रुप का सबसे रईस बंदा जिसका हमें वेट करना पड़ता है, अंबानी के बाद इसी का नंबर आता है। साला कहीं भी जाओ ना, इतना लेट करता है कि सोचो मत। अब उसी का मैं वेट कर रहा हूँ, आ रहा है तो दिखा रहा हूँ कि है कौन वो रईस। अंबानी तो भाई कुछ नहीं है इसके सामने भाई, अंबानी का दादा लगता है। लग रहा है ना कि अंबानी के जैसा, मतलब इसको पर्सनल गार्ड वर्ड चाहिए। आओ इसके घर के सामने गाड़ी पार्क करो और उतरेगा और आराम से 1 घंटे में रेडी वेडी होके आएगा। आ रहा है, दिखाता हूँ उसका चेहरा आप लोगों को। है मेरा ही दोस्त है, क्या करूँ, लेके चलना पड़ता है सबको भाई। आ गए हैं अंबानी के दादा है, देखिए इनको। साला अंबानी इतना कहर नहीं ढहाता है जितना कि ये कह रहा है। चलो चलते हैं फिर आगे। सिवान 10 मिनट में पहुंच जाएंगे हम। कार मैं अभी नहीं सीखा हूँ, बट सीख लूंगा। 1 महीने लगेंगे सीखने में, 1 महीने नहीं लगेंगे, 10 दिन। अगर कंटिन्यू चलाऊंगा तो 10 दिन में आई थिंक सीख ही लूंगा। 10 दिन में सीख लूंगा कार, उसके बाद तुम्हारा भाई चलाएगा कार। जस्ट सिवान पहुंचेंगे और थोड़ा शॉपिंग करना है मुझे, वो बर्थडे के लिए थोड़े पटाखे उठाके लेने हैं। और एक है मेरे दोस्त, मतलब सीनियर है हमसे, काफ़ी सीनियर है। मैं जब टेंट में था तो हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में साथ में ही रहते थे। भैया है, सपोर्ट करते हैं हर जगह, मतलब अच्छा सपोर्ट करते हैं। किसी भी कभी भी कोई काम हो तो फ़ोन करो तो एक बार में फ़ोन वोन उठा लेते हैं, और कोई भी हेल्प वगैरह हो तो करते हैं भैया। तो चलो भैया से भी आपको मिलवाऊँगा मैं आज। हम सिवान में आ गए हैं, दो मिनट या 1 मिनट में हम सिवान में एंट्री कर जाएंगे। इस बात से आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखूँगा, आप देखना क्या कैसे क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और चंदन भैया से भी मैं मिलवाऊँगा, उनका नाम चंदन है, ठीक है। उनका यहाँ पे अपना हॉस्टल वगैरह है, अगर किसी भी बच्चे को हॉस्टल वगैरह में रहना है तो कॉन्टेक्ट करें मेरे से, मैं उनका नंबर मैंसन कर दूँगा। और हॉस्टल में अच्छा सुविधा है, कम खर्चे में हर चीज़, मतलब स्कूल कोई भी हो हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हैं। अपना उनका हॉस्टल है यहाँ पे, और ये रहा सामने दिख रहा है ना नगर परिषद का बोर्ड आपको। तो सिवान में हम एंट्री कर चुके हैं, सिवान में हमारी एंट्री हो गई है। जस्ट 2 मिनट में चंदन भैया से हम मिलेंगे। चंदन भैया हमारा वेट कर रहे हैं दुर्गा मंदिर के पास। जो कोई भी भाई सिवान का होगा उनको पता ही होगा कि महादेवा दुर्गा मंदिर कहाँ है, कचहरी के पास। तो अभी चंदन भैया से हम मिलेंगे, जस्ट पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, चंदन भैया के पास पहुंच जाएंगे। तो यार जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और भाई को सपोर्ट करो जितना हो सके, आपका ही भाई हूँ। तो अभी आई थिंक 1 महीना हो गया मेरे चैनल को, अच्छा रिस्पॉन्स है भाई आप लोगों का, सपोर्ट अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि और सपोर्ट दिखाओ और प्यार करो भाई। चलो फिर चलते हैं, चंदन भैया हमारा वेट कर रहे हैं आगे। Oh, 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 oh
बिहार है, ये हमारे बॉस है चंदन बिहार। हेलो गाइस बोलिए। हेलो, चलो चलते हैं अब आगे। फाइनली एवरीवन, हमारे चंदन भैया ड्राइव पे आ गए हैं, अब गाड़ी को यही भगाएंगे, अब इन्हीं के हाथ में है। और हम मुझे कुछ सामान लेना था, बताया था ना, वो थोड़ी देर में मैं जाके लूँगा। अभी तो हम एक भाई को पिक करना है, अपने करण भाई जा रहे हैं सीमा दिल्ली, तो उनको हम स्टेशन पे पिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे। अभी टाइम है, इनकी ट्रेन 6 बजे आई थी, उनको 6 बजे यहाँ पिक करके तब जाएंगे। बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम मैंने 7 बजे रखा है, 7 या 8 बज जाएंगे, क्योंकि उस टाइम मार्केट में भीड़ कम हो जाता है, आई थिंक सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आएगी तो पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। करण को स्टेशन छोड़ने आ गए हैं और करण जा रहा है, तो करण जल्दी आना, हम तुम्हारा वेट करेंगे गाँव में। पार्टी खत्म हो गया और कुछ मेरे दोस्त सिवान के थे जिनको मैं सिवान छोड़ने आया था, अब हम जा रहे हैं घर। पीछे विशाल है और आगे मेरे भाई गाड़ी चला रहे हैं, और देखो पीछे विशाल है। तो ब्लॉग तो मैं बना नहीं पाया क्योंकि बर्थडे में मैं इतना बिजी था कि ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, बट जो भी ब्लॉग बनाया हूँ उसको अपलोड किया हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लव यू।